आपने SBI में अकाउंट ओपन करवाया और इंश्योरेंस के नाम पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट गए। आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा 1000 रुपया कट गया, 500 रुपया, 100 रुपया। भाई बहुत टेंशन में है, क्योंकि मैं भी दोस्तों समझता हूँ अगर मिडिल क्लास फैमिली का किसी का पैसा कट जाता है तो हमारे लिए 500 या 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। टेंशन मत लीजिए, पॉलिसी को कैंसिल करना भी सिखाऊंगा और 100% रिफंड भी दोस्तों आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों SBI जो है बहुत सारे इंश्योरेंस ऑफर करता है, जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, संपूर्ण सुरक्षा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। आपका कोई भी इंश्योरेंस बैंक वालों ने कर दिया होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब दोस्तों ब्रांच के एम्प्लॉय हमारा अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ जगह तो आपको ये बता दिया जाता है कि इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। दोस्तों वैसे कंपलसरी होता नहीं है, वो लोग आपका अकाउंट ओपन करेंगे तो उनको दोस्तों इंश्योरेंस आपके नाम पे कर देंगे तो उनको दोस्तों कमीशन मिलता है, तो कमीशन लेने के चक्कर में आपको इंश्योरेंस चिपका देते हैं दोस्तों। लेकिन आपके पास टाइम रहता है इंश्योरेंस के बाद कैंसिल करवाने का, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कितने टाइम के अंदर अगर आप कैंसिल करवा देते हैं तो आपका जो रिफंड है पूरे का पूरा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे कैंसिल हो जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है, योनो SBI ऐप आपको डाउनलोड करना है। 100 मिलियन इसके डाउनलोड यहाँ पे कर चुके हैं लोग, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं योनो SBI को ओपन करता हूँ, 100% पैसा आ जाएगा, क्योंकि भाई मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका था। मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट ओपन करवाया था, मेरे भी पैसे कट गए थे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इस ऐप के अंदर मैंने रजिस्टर कर लिया है। आपने नया अकाउंट खुलवाया है तो आपने रजिस्टर नहीं किया होगा, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में और दोस्तों आई बटन में आपको मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। मैंने अच्छे से समझाया है कि आपको योनो SBI में कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। ATM के बिना भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो पासबुक तो मिल गया होगा, लेकिन ATM आने में थोड़ा देर लगेगा। यहाँ पे MPIN डाल देता हूँ जो मैंने बनाया था, तो MPIN डाल के मैं लॉगिन हो जाता हूँ। आपको भी सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद MPIN डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे देखिए नीचे एक इंश्योरेंस वाला बटन है, इंश्योरेंस पे जाएंगे और जैसे ही इंश्योरेंस पे आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप फिलहाल दोस्तों अकाउंट से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे कोई भी पॉलिसी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका पॉलिसी आपको दिखेगा। मेरा पॉलिसी भी यहाँ पे दिख रहा था और उसका सबूत, उसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने हर बार मैंने जो प्रोसेस किया था उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसे मैंने रिफंड लाया अपना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आया था मैं माई इंश्योरेंस में और यहाँ पे मेरे इंश्योरेंस की पूरी डिटेल मुझे दिख रही थी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कैंसिल का ऑप्शन था, पॉलिसी नॉट रिक्वायर आपको सिलेक्ट करना है, कैंसिल बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको डाल देना है और उसके बाद दोस्तों आपका पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। आपको रेफरेंस नंबर भी आपको दिख जाएगा। उसके दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपया डिपॉजिट होगा। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा मेरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर को मैंने अकाउंट ओपन करवाया 5000 रुपये से। उसके बाद इंश्योरेंस के नाम से यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस लिखा है, आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं, तो 500 रुपया काट लिया था। 4 नवंबर को मैंने कैंसिल किया था, क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर को कैंसिल बटन पे क्लिक कर रहा था तो टेक्निकल एरर आ रहा था। तो अगर आपको भी टेक्निकल एरर आएगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, दूसरे दिन या फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करना है। मैंने 4 दिन बाद ट्राई किया था, 1 रुपया मेरा वापस आ चुका था। जब 1 रुपया वापस आता है आपके खाते में तो आपको समझ जाना है कि आपने जो कैंसिल किया है उसका प्रोसेस चल रहा है अभी, मतलब थोड़े दिन में टोटल जो अमाउंट कटा था वो भी आ जाएगा। तो 4 तारीख को 1 रुपया आ गया और 9 तारीख को यहाँ पे 500 रुपया जो मेरा कटा था वो वापस आ गया और यहाँ पे नीचे लिखा भी है SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका भी पैसा दोस्तों वापस मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके दोस्तों और भी तरीके, SBI योनो से तो हम अपना रिफंड ला ही सकते हैं, केली से पॉलिसी भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन और भी तरीके हैं जिनसे आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यह सबसे आसान तरीका है, इसका इस्तेमाल दोस्तों आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा, 15 दिन के अंदर आपको कैंसिल कर लेना है, तभी आपको 100% रिफंड मिलेगा। जो भी कटा था 1000 वापस मिल जाएगा। और दोस्तों 1 महीने के अंदर, मतलब 15 दिन के बाद और 1 महीने के अंदर कैंसिल करवाओगे तो 75% रिफंड मिलेगा। 3 महीने के अंदर कैंसिल करवाते हो तो 50% रिफंड मिलेगा। 6 महीने के अंदर रिफंड करवाते हो 25% रिफंड मिलेगा। और दोस्तों अगर आप 6 महीने के बाद कैंसिल करोगे तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा पॉलिसी कैंसिल मत करना 6 महीने के बाद, अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग वीडियो वो लोग देखेंगे जिन्होंने अभी तुरंत अकाउंट ओपन करवाया है, जिनका पैसा कट गया, वो लोग ही वीडियो देखेंगे। मुझे पता है क्योंकि भाई मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, तो मैंने अब ढूंढना चालू कर दिया था, कस्टमर केयर में बात कर लिया था कि भाई पैसा किस बात का काट लिया, भाई क्या हो गया, ये हो गया। भाई ठीक है, भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ 6 मिनट का है, वो वीडियो मैंने 12-13 मिनट का बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी है मैंने, तो एक बार वो वीडियो भी आप दोस्तों देख लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और जिसका पैसा यहाँ पे वापस आ रहा है, 100% वर्किंग ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज़ मेरे लिए एक कॉमेंट जरूर कर देना, आपका पैसा वापस आ गया, 1 रुपया वापस आ गया, कॉमेंट कर देना कि भाई बिल्कुल वर्किंग ट्रिक है और मुझे पता है, मैंने पैसे लाए इसलिए तो आपको बता रहा हूँ ना, वरना मैं आपको नहीं बताता दोस्तों, क्योंकि मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता हूं, ऐसे अच्छे वीडियो यहां पे लाता रहता हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके काम के वीडियोस में डालता रहूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।